बदमाश को लूट के माल और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं पुलिस ने वांछित अभियुक्त के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। मामला चालून कोतवाली क्षेत्र के चालून हरतोई गुजर मार्ग का है, जहां पर करीब 6 महीने पहले एक बाइक सवार महिला के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए लूट की घटना में शामिल कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन लूट में शामिल जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धनतोली निवासी बबलू नट घटना के समय से ही फरार चल रहा था, जिसका पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, फिर भी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने एक 15,000 का इनामिया बदमाश पकड़ा है। क्या है पूरा मामला और किस मामले में वांछित था और क्या विधिक कार्रवाई की जा रही है? कुछ माह पूर्व थाना जलौन क्षेत्र अंतर्गत एक लूट हुई थी जो बनाम अज्ञात लिखा गया था जी, जिसमें एक महिला के साथ जो कुछ चीज़ें हैं लूटी गई थी जी। उसके लूट के प्रकरण में हमारे थाना स्थानीय द्वारा जी सौराग रसी पता रसी मुखबरी करते हुए इस मुलजिम को पकड़ा गया है जी। और इस मुलजिम से एक तमंचा बरामद हुआ है, दो कारतूस बरामद हुआ है एवं लूटी की सामग्री भी बरामद हुई है जी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में इसके इनाम भी घोषित किया गया था जी। और इसके लूट के पूर्व के भी मुकदमे हैं जी, अन्य मुकदमों की जानकारी प्राप्त की है जी। तो संबंधित गिरफ्तारी में पुलिस टीम आपकी कौन टीम में कौन कौन सदस्य थे और इस पूरे प्रकरण में इस इनामिया बदमाश को पकड़ने में क्या कोई जो है इनाम इन लोगों को भी दिया गया है पकड़ने वाली टीम को? चूँकि ये प्रशंसनीय कार्य है जी, इनाम हेतु कुछ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी जी। इस टीम में थाना स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ सभी अहमद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को